यूपी के संभल में 16 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है, जिसने घर में अकेली युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नाबालिग से दुष्कर्म का पूरा मामला सदर कोतवाली संभल क्षेत्र का है, जहां के एक मोहल्ले की नाबालिग युवती का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब घर पर अकेली युवती थी। आरोपी के विरोध करने पर आरोपी ने युवती की हाथों पर धारदार ब्लेड से वार कर लहूलुहान किया। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। परिजनों के घर पहुंचने पर डरी सहमी पीड़िता ने आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी आसिम के खिलाफ नाम दर्ज तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ये थाना कोतवाली संभल पर एक नाबालिग युवती, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, के साथ उसी के ही एक पड़ोसी सजाती युवक द्वारा घर में घुसकर बलात्कार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली संभल पर अपराध संख्या 142/2021 अंतर्गत धारा 376, 452, 324, 506 व 120 IPC व 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित अभियुक्त हाशिम सरफ बदरुल, जो कि मियाँ सराय संभल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रवाना किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।